शादी से पहले ये सात बातें जान ले, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। ये सात टिप्स आपको बहुत फायदेमंद रहेगी यदि आपको ये शादी के पहले मालूम होते हैं तो। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, शादी ये ऐसा रिश्ता है कि जो हमारे देश में तभी भाई एक बार ही शादी होती है और वो आखिरी तक वही चलती है, मगर उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यदि आने लगे तो रहते हैं एक छत के नीचे, मगर वैसे ही डिवोर्स करके रहते हैं। मेंटली डिवोर्स है, रहते एक छत के नीचे, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो है सेक्सुअल प्रॉब्लम। कि यदि सेक्स प्रॉब्लम यदि आपको है तो आपकी लाइफ जो है वो चल रही है, काट रहे हैं ज़िंदगी, मगर मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसी हो जाती है। तो इसलिए ये सात बातें आपको जानना ज़रूरी है। लोग पूछते शादी क्यों करना है, शादी काय के लिए की जाती है? तो शादी एक तो पार्टनर होना करके की जाती है, कि भाई लाइफ पार्टनर होना, अपने साथ में जीवन जीने के लिए कोई ना कोई होना, नंबर एक। नंबर दो, आदमी कमाता है तो घर में कोई देखने वाला होना, घर संभालने वाला होना, बैक ऑफिस, तो उसके लिए शादी की जाती है। नंबर तीन, प्रजोत्पादन करना, अपना वंश बढ़ाना आगे, और सेक्स करना और वंश बढ़ाना, इसके लिए शादी की जाती है ना, वंश पर मतलब वंश आगे बढ़ाने का है। तो नंबर चार, घर में कोई काम में नहीं है, काम करने वाली नहीं है, माँ बीमार है, तो अभी शादी करना जरूरी है ताकि कोई काम करने वाली आ जाए। ऐसे काफ़ी सारे कारण शादी करने के होते हैं, मगर शादी करने के वाले आपको सात बातें आप जान लेते हैं, मालूम है, तो आपका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो आते हैं इसके ऊपर। नंबर एक, यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है शादी करने के पहले, तो वो मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस जो है वो सेक्स के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मतलब मनी का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, या कोई रिश्ते का स्ट्रेस है, पहले कोई आप रिलेशनशिप में हो वहाँ से स्ट्रेस आया हुआ है, वो ब्रेकअप हुआ है, या आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी है, ऐसी कोई मानसिक बीमारी है, तो फिर वो मैनेज करना जरूरी है। उसके लिए हिप्नोथेरेपी हम सिखाते हैं, फिर मेडिटेशन सिखाते हैं, ताकि आप स्ट्रेस मैनेज करके बाद में ही आपको मैरिज करना है। लोग बोलते हैं नहीं शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। शादी करने के बाद में एक्चुअली स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, व्यसन जो है, लत, शराब या तंबाकू की, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है सेक्स लाइफ में। अल्कोहल और निकोटीन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और इसकी लत छोड़ना जरूरी है। लोग बोलते नहीं नहीं शादी के बाद में शराब छोड़ देगा, शादी के बाद में उसकी औरत देख लेंगी, उसको छुड़वा देंगी, ऐसा नहीं होते रहता है। यदि शादी के पहले ही शराब पी रहा है तो पहले शराब छोड़ना जरूरी है, और वो भी बहुत दिन तक शराब छोड़े हुए उसको देखना जरूरी है, वो लड़के को। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का अल्कोहलिक है, शराबी है, और शादी करना है करके 15 दिन एक महीना नहीं पीता है, कि शादी करना है भाई, कोई लड़की देगा नहीं, और फिर शादी करता है फिर पीना चालू कर देता है, और फिर उसका सेक्स लाइफ वैसे ही बर्बाद हो जाता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल। और निकोटीन से भी होता है, मतलब तंबाकू से भी होता है, क्योंकि ये शराब और तंबाकू जो है वो जो खून की नलियाँ जो रहती है ना, ब्लड वे, उसका अंदर का अस्तर जो है मोटा कर देती है, एथरोस्क्लेरोसिस कर देती है, और उससे प्रॉब्लम हो जाता है लिंग का टाइटनेस आने में। नंबर तीन, आपने आपका फिटनेस रखना बहुत जरूरी है शादी के पहले। आपका वजन कंट्रोल में है, आपको कोई बॉडी दर्द हो रहा है क्या, जॉइंट पेन्स है, कमर में दर्द है, मतलब ऐसा फिट यदि आदमी रहता है तो फिर डेफिनेटली वो सेक्स लाइफ अच्छा एंजॉय कर सकता है। तो आपने फिटनेस आपका रखना बहुत जरूरी है। नंबर चार, आपका खाना जो है वो आपका खाना ठीक होना चाहिए, जैसा ही बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, उससे तबीयत खराब हो जाती है। तो खाने में फ्रूट्स, सलाद, और फिर बाकी भी सब सब्जियां वगैरह आप खाते हैं तो एक अच्छा मेंटेन होता है वजन, और तबीयत भी बहुत अच्छी रहती है। बैलेंस डाइट विद विटामिन्स, मिनरल्स, जिसमें सलाद में होता है, फ्रूट्स में होता है, तो वो खाना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर पाँच,
आपने ग्रूमिंग अच्छा सीखना है, मतलब आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है, जो आकर्षक दिखता है लड़का ना, हेयर स्टाइल अच्छी है, फेशियल किया हुआ है, नीट एंड क्लीन है, उसका ड्रेस मतलब ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, वेल ड्रेस्ड अप रहता है, तो ये रहता है तो डेफिनेटली कोई भी लड़की जो है वो आकर्षित हो जाती है, और मतलब उसका फिर बाद में भी अच्छा सेक्स लाइफ के ऊपर असर होता है। नंबर छः जो है कि आपको सेक्स काउंसलर से मिलना जरूरी है शादी के पहले। सेक्स काउंसलर से यदि आप मिलते हैं तो डेफिनेटली कुछ गलत फहमियाँ जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। हो सकता है कि आपको गलत फहमियाँ हैं मास्टिबेशन के बारे में, गलत फहमियाँ हैं लिंग का साइज लंबाई गोलाई के बारे में, नाइटफॉल के बारे में, या चिपचिपा पानी आता है उसके बारे में, जो भी कोई हो, तो वो सेक्स काउंसलर से मिलकर गलत फहमियाँ दूर करना और अपन सेक्सुअली फिट है कि नहीं वो देखना जरूरी है। और नंबर सात जो है वो है यदि कोई आपको इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करना और उसकी फिक्र करना और उसके बारे में काउंसलिंग लेना जरूरी। हो सकता है कि आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया हो, हो सकता है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, हो सकता है कि हर्पीज है, हो सकता है कि एड्स है, पता नहीं, मतलब आपको मालूम नहीं है, तो एक बार आपने टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक बार आप शादी करते हैं और बाद में मालूम पड़ता है कि कोई बीमारी है तो फिर वो पार्टनर को भी दिया जा सकता है, पार्टनर को भी वही बीमारी हो सकती है, उनको ऐसा लगता है कि अपने को फंसा दिया है और फिर वो तुरंत डिवोर्स की मांग करती है। तो एक बार सब टेस्ट करना जरूरी है कि भाई मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, और बाकी कोई यदि आपकी कोई हिस्ट्री है प्री मैरिटल हिस्ट्री कि भाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आ चुके हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो चुका है, बाहरी आपके संबंध आ चुके हैं, तो डेफिनेटली आपने वो टेस्ट करना जरूरी है। तो आप ये सब कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ जो है वो अच्छा रहेगा, आप अच्छा लाइफ एंजॉय कर सकेंगे, सेक्स लाइफ अच्छा एंजॉय कर सकेंगे और एक आनंद आएगा, भाई भाई जीवन सुखी हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू।